हेलो दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल या एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं, जो अभी पुलिस और वकीलों का जो मुद्दा अभी दिल्ली में उठा हुआ था उसी से संबंधित है। तो चलिए इसे देखते हैं। अयोग्या की परिणति, विजय शंकर सिंह ने लिखा है, लेखक हैं ये, सेवानिवृत्त हैं, IPS। ठीक है। दिल्ली में साकेत के पास मोटरसाइकिल से वर्दी में जा रहे पुलिस के एक सिपाही को कुछ वकीलों द्वारा अनायास पीटने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के अनुसार सिपाही अकेला जा रहा था और वकील उसे पीट रहे थे। सिपाही ने जब सब रखना बेहतर समझा, सिपाही अकेला ना होता और उसके पास कोई हथियार होता तो हो सकता था कि 30,000 जैसी कोई घटना फिर घट जाती। इसमें दो राय नहीं है कि वकील सत्ता के लिए एक दबाव समूह के रूप में पुलिस से अधिक उपयोगी है, जबकि पुलिस सरकार का एक विभाग है, नियम कानून से बंधा है, हजार बंदिशें हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के धरने को अनुशासनहीनता की दृष्टि से कुछ मित्र देख सकते हैं, पर मेरी राय थोड़ी अलग है। अनुशासन का यह कतई अर्थ नहीं है कि अपनी बात कही ही ना जाए। इसका अर्थ यह भी है कि अपनी बात विभाग के आला अधिकारियों तक खुल कर कही जाए। जो आक्रोश अभिव्यक्त हो रहा है उसका समाधान ढूंढा जाए। पुलिस विभाग को किसी फैक्ट्री या अन्य सरकारी विभागों की तरह देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसे सेना या सशस्त्र बलों की तरह देखकर समझें। दिल्ली पुलिस में 30,000 अदालत के बाद उपजे असंतोष का बड़ा कारण यह है कि हाई कोर्ट ने बिना पुलिस का पक्ष जाने ही अब उनके साथियों का न केवल तबादला कर दिया बल्कि कुछ को निलंबित भी कर दिया। जब वे अपनी बात कहने पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो पुलिस कमिश्नर भी उनसे मिलने उनकी बात सुनने नहीं आए। पुलिसकर्मियों को लगा कि ऐसे नाजुक समय में उनके अफसर भी उनके साथ नहीं है। असंतोष और आक्रोश का यह तत्कालीन कारण था। घटना पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का बयान उनके पद के अनुरूप नहीं था। वकीलों का ये एक ग्रुप पुलिस मुख्यालय पहुंचकर यही कह देता कि हम अपने समूह में ऐसे कुछ लोगों को अनावश्यक विवाद पैदा करते हैं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो काफ़ी हद तक समस्या सुलझ जाती। BCI प्रमुख के बयान में मामले को हल करने लायक कोई बात नहीं थी। उन्होंने साकेत कोर्ट की घटना के बारे में भी कुछ नहीं कहा। मान लिया कि यह धरना न्यायिक जांच से बचने के लिए धरना है। उनका कहना है कि पुलिस अनुशासनहीनता कर रही है। यह तो जाँच के पहले ही पुलिस को दोषी ठहराना हुआ। मोब लिंचिंग की परंपरा से बहुत पहले कचहरियों में मुलजिम के साथ जो पेशी पर ले जाए जाते हैं। लिंचिंग की परंपरा कानून के जानकार और पैरोकार कहे जाने वाले वकील द्वारा शुरू की जा चुकी है। एक इलीट लिंचिंग से खबर तो बनी पर हर तृष्णा ना हुई, ना मुकदमा कायम हुए और ना ही जांच हुई। कुछ ने तो इसकी सराहना की तो कुछ ने औचित्यपूर्ण तक ठहरा दिया। कुछ ने तर्क दिया कि सजा हो ना हो कम से कम यही सही, वैसे भी सजा कहाँ इतनी जल्दी मिलती है। यह सीधे सीधे कानून को ना मानने की पैरोकारी है। यह फिरती हमें विधि फालक समाज के बजाय ऐसा समाज बना रही है जहाँ विधि की अवज्ञा की ही समाज का स्थायी भाव बनता जा रहा है। आप इस पर समझौता कर बैठेंगे कि सजाएं चाहे वकीलों द्वारा कचहरियों में मारपीट करके दी जाएं या पुलिस गैर कानूनी तरीकों से दे, कुछ हद तक उचित हैं तो वह हद कभी ना कभी बेहद होगी। उसकी जद में आप हम सभी आ जाएंगे। कानून को कानूनी तरीके से ही लागू होने पर जोर दीजिए, अन्यथा विधिहीन और अराजक समाज की दस्तक सुनने के लिए तैयार रहिए। आए दिन वकीलों के कभी पुलिस को तो कभी किसी सामान्य व्यक्ति के साथ मारपीट की खबर आती रहती है। यह रोक तो अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया।
न्यायिक अधिकारियों से बात कीजिए तो वे इस उद्दंडता और गुंडई से दुखी हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। कानपुर में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान हुआ। कारण, वकीलों ने एक रेस्टोरेंट में जाकर मारपीट की और मौके पर पुलिस पहुंची उलझ गए पुलिस से। मामले पर मुकदमा दर्ज हुआ तो हड़ताल कर दी। वकीलों का यह आचरण विधि विरुद्ध गिरोह की तरह ऐसे अवसर पर आचरण करता है। दिल्ली की घटना भीड़ हिंसा के प्रति नरम रूप रखने और उसे मौन सहमति देकर गुंडागर्दी का वातावरण बनाने का परिणाम है। यह एक मनोवृत्ति को जन्म दे रहा है जो त्वरित न्याय के तौर पर खुद को ही फरियादी और खुद को ही मुंसिब के तौर पर समझकर तदनुसार आचरण कर रही है। यह मनोवृत्ति पितिशोध की है। अपराध और दंड का दर्शन पितिशोध की बात नहीं करता, वह कानून के दंड की बात करता है। अपराधी को दंड देना किसी भी प्रकार का बदला लेना नहीं है, वह एक न्यायिक क्रिया है जिसके अंग वकील भी हैं और पुलिस भी। पर लगता है कि हम एक अधीर उदंड और जिद्दी समाज में बदलते जा रहे हैं। जिसके पास संख्या बल और शारीरिक ताकत मौके पर होगी, वह अपने विरोधी से सड़क पर निपट लेगा और कुछ इसका औचित्य भी ढूंढ लेंगे। जो पिटेगा वह भी मौका ढूंढेगा और बदला ले लेगा। नए और बिना काम के वकीलों में एक बात घर कर जाती है कि वे कानून और कानूनी प्रक्रिया के ऊपर हैं। वार काउंसिल व वार एसोसिएशन दोनों को इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा सबसे अधिक हानि वादकारियों की होगी। पुलिस में बहुत सी कमियां हैं, पर कभी भी पुलिस ने एक समूह के रूप में जैसे दिल्ली पुलिस ने किया है अपने विरोध दर्ज भ्रष्टाचार या कदाचार के आरोप में दंडित या कार्रवाई किए जाने पर सामूहिक विरोध प्रदर्शन नहीं किया। पुलिस को राजनीति दबाव से मुक्त करने और प्रोफेशनल की तरह कानून लागू करने वाली संस्था बनाने के लिए पूर्व डीजी विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिए, पर आज तक किसी सरकार से कोई भी सक्रिय कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे सुधार राजनीतिक आकाओं के हितों को प्रभावित करते हैं। मूल समस्या है कि कानून के प्रति बढ़ता अयोग्य भाव, यही भाव सड़क पर वर्दी उतरवा देने की धमकी देता है। यही भाव यातायात उल्लंघन पर चेकिंग होने पर ईगो को आहत कर देता है। यही भाव कभी वकीलों को संक्रमित कर देता है तो कभी वर्दीधारियों को, और यही भाव पुलिस सहित कानून लागू करने वाली सभी संस्थाओं का राजनीतिक आकाओं द्वारा दुरुपयोग कराता है। जब तक कानून की अवज्ञा का भाव समाज में हावी रहेगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। दिल्ली का 30,000 कांड ना तो पहला है और ना ही अंतिम। तो चलिए, ये पुलिस और वकीलों के बीच जो झड़प हुई है उसी से संबंधित था।